हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुकू की वेज थाली में। तो आज मैं बनाई हूँ पराठे की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, आप देख सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका मसाला को बनाना होगा, तो आइए देखते हैं हम इसके मसाला को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम किया हुआ है और उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम 30 सेकंड तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ बारीक अदरक और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं कद्दूकस किया हुआ गाजर, इसे भी हम प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ आलू और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ढक्कन लगाकर फिर 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसे अब इस तरीके से चला लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ भुने हुए जीरे और धनिया का पाउडर और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम ढक करके इसे फिर से 1 से 2 मिनट पकाएंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पत्ती कटी हुई और आधा टुकड़ा नींबू का रस। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आटे में डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। और इसे हम बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं, उसी तरीके से हम इसका आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने आटा लगा लिया है। अब हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने सारे लोई को तोड़ लिया है। अब हम इसकी इस तरीके से नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं, उस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। और इसमें डालेंगे हम मसाले को जो हमने बना के रखा हुआ था। कोशिश करें कि इसे ट्रायंगल शेप में मसाले को लगाएं। अब देखिए, हम एक तरफ से इस तरीके से इसे मोड़ लेंगे रोटी को, फिर दूसरी तरफ से भी इस तरीके से मोड़ लेंगे और किनारे को अच्छी तरह से दबा देंगे। अब हम नीचे से भी उठा करके इस तरीके से मोड़ लेंगे और इसे अच्छी तरह दबा देंगे, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसे हल्का हल्का बेल लेंगे।
तीनों तरफ से। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसी तरीके से दूसरे पराठे को भी बना लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से एक साइड से मोड़ा, फिर दूसरी साइड से मोड़ा, फिर नीचे से उठा करके इस तरीके से इसे मोड़ा और फिर से हम इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से। अब चलिए हम इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवे को गर्म किया है और इस पर हम डालेंगे पराठा और इसे हम घी या तेल लगा करके सेक लेंगे। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो तेल या घी जो मन करे वो लगा सकते हैं। हम दोनों तरफ से इस तरीके से घी लगाकर इसको सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे तरह से फूल चुका है और इस तरीके से हल्का सा दबा दबा कर इसे सेक लेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे भी पराठे को सेक लेंगे। दोनों तरफ से घी लगा करके और इसे पलट पलट कर अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे। देखिए ये कितने अच्छी तरह से सेक चुके हैं और फूल भी जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पराठा बनके तैयार हो चुका है। इसे अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए आप इसे दही चटनी किसी के भी साथ खाएं, दोनों के साथ ही टेस्टी लगती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।